तेहरका पुलिस ने आदतन चोरी के आरोप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल तेहरका कस्बा स्थित बीते शुक्रवार की दरमियानी रात शनिदेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए तेहरका पुलिस थाना प्रभारी अर्पित पराशर ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़ा गया आरोपी बीते शुक्रवार की देर रात तेहरका स्थित शनिदेव मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखी दान पेटी से नकदी उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था, जिसके बाद से ही लगातार टिहरका पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मुखबिर तंत्र को मजबूत कर आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के अलावा कुछ नकदी और घटना में उपयुक्त सामान जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है। पकड़ा गया 25 वर्षीय आरोपी योगेंद्र अहिरवार, पिता रत्न अहिरवार, झांसी उत्तर प्रदेश के थाना सकरान अंतर्गत धनाई गांव का निवासी बताया जा रहा है। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है, किस मामले में पकड़ा गया? ये शुक्रवार की दरमियानी रात एक शनिदेव का मंदिर है टहरका में, वहाँ दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। उस संबंध में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो रियारा मंदिर के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा। उसके पास एक देसी कट्टा 315 बोर का कारतूस था और बैग को चेक किया तो उसमें प्लास, पेचकस और नट बोल्ट वगैरह थे। उससे सघन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा जो शनिदेव का मंदिर है वहाँ चोरी की गई थी शुक्रवार की रात को, और लगातार वो मंदिर की दान पेटियाँ ऐसी जगह जहाँ सुनसान जगह होती हैं वो ये काम करता है उसमें चोरी का काम। तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार आदेश किया जा रहा है कि चोरी की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें शीघ्र प्रत्यर्थी के प्रयास किए जाएं। उक्त संबंध में मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया और ये सफलता हासिल हुई है। हाँ, ये अभी ये जानकारी हासिल हुई है कि ये उत्तर प्रदेश में कई थानों में उसके खिलाफ चोरी के मुकदमे पंजीबद्ध हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है अभी।